आर्डर किया जाए सेंट्रल गौरमेंट थोड़ी सरकार है, लेकिन मैं इे गल आखनी हाँ भाई इन्हें होर जो शांति जरा दिता जाए, लेकिन मैं ऐसे मेयर की बहुत तारीफ करनी है जिनी तारीफ की जाए इन्नी थोड़ी है, लेकिन सारी जी जैन कमिश्नर है वह भी बड़े अच्छे काम करती है और कमिश्नर साहब भी बड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन मैं जिनी तारीफ करा अपने स्टाफ की मेरे डॉक्टर साहब न बाकी कोई ऐसी गल नहीं है मेयर के जदू के मेयर साहब आए थे ना लेकिन स्टाफ भी दौड़ता जाता है, मैं ये भी गल आखनी हाँ लेकिन मैं इे गल आखनी है जिनी तारीफ की जाए मैं मोदी साहब अगर अपील करा कि साल की एक जी है इन्हें वोट दिते जाए। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत नमस्कार। दैनिक शिवता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय के जो हम आपको विजुअल बता रहे हैं कन्वेंशन सेंटर के, जहां पर आज मेयर फॉर ए ईयर के माध्यम से कार्यक्रम रखा गया और यहां पर जितने भी अब लोग देख रहे हैं 75 वार्डों के यहां पे पूरी जो जनता है वो है, यहां पे जो कॉरपोरेटर्स है वो है और इनकी नीतियां जिस तरह से ने कार्य किया अपने टेन्योर में उसका सारा जो जनता है वो खुद अपने मुख्य बिंदु से बता रही है। और वाकई इनका एक नारा था कि शानदार जम्मू ईमानदार जम्मू, उसकी राह पर चलो और देखिए जनता किस तरह से कह रही है। जनता अपनी जो बातें जहाँ जहाँ काम किया काम बताया अपने माध्यम से उन्हें तुरंत उस पर फिर एक्शन करते हुए वो काम जनता का करवाया, कोई दुराहे नहीं। एक अच्छा मेयर मिला जम्मू को जिनके टेन्योर में जिन्होंने अपना काम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर लोअर रूपनगर जम्मू से मैं कहता हूँ कि हम शाना बिशाना इनके साथ खड़े हैं। ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू होना चाहिए, हमारा जम्मू दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करना चाहिए। बस जी आप गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम डॉक्टर मोनिका वर्णकर एंड आई एम पी ग्रेविटी डेंटिस्ट। आई वांट टू से समथिंग बिकॉज टाइम इज शॉर्ट एंड आई वांट टू से समथिंग दैट एज टुडेज थीम इज मेयर फॉर एन ईयर, सो आई एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू मेयर सर, बहुत कोऑपरेटिव है and sir takes his role seriously, he's very dedicated and passionate about his work and I really appreciate his cooperation and I wish him all the success in future endeavors and I say that he should be the mayor not for a year but he should be the mayor for years. Thank you so very much ma'am. And I want to say something about DMC also, that DMC is a very efficient system and as it is user-friendly and very efficient and cooperative, and one should not hesitate to approach the higher authorities when the need arises. I wish you success for future endeavors. Thank you. Thank you so very much, ma'am. And one last, good afternoon, everyone. This is Anisha, teacher, high secondary school, Nawabad. थैंक यू सो मच सर। सर ने डिपार्टमेंटल गैप तो फिल किए ही हैं, बट एज ए टीचर जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि सर ने ग्राउंड लेवल पे आके जो छोटे बच्चों के साथ, जो स्कूल्स के बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया और बच्चों को मोटिवेट किया कि वो पॉलीथीन का यूज ना करें, दैट इज अ कमेंडेबल जॉब। आई रियली रियली थैंकफुल टू मेयर सर। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू का स्लोगन जो नारा है हमारे सर ने दिया है, आज हम जीके का क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, उसी तरह आने वाले टाइम में ये पूछा जाएगा कि ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू का नारा किसने दिया। हमारे स्कूल के बच्चे गर्व से कहेंगे कि हमारे ऑनरेबल मेयर राजेंद्र शर्मा जी ने दिया। धन्यवाद, प्राउड स्टूडेंट फ्रॉम परेड कॉलेज एंड एनएसएस वॉलंटियर। माय नेम इज नेहा परवाल
एंड हमारे कॉलेज में ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, डेंगू आप सबको पता है कितना फैला है, तो उसकी दिक्कत को हमारे कॉलेज को हमने बताया एडमिनिस्ट्रेशन को, तो मजीद सर हमारे वहाँ पे कन्वीनर प्रिंसिपल सर ने जैसे भी कॉन्वर्सेशन सुनी, पहली बार तो हमारे प्रिंसिपल सर एस के साठो सर वो हर चीज़ सुनते हैं ना, सी आर से लेकर नॉर्मल स्टूडेंट की भी, तो उन्होंने करवाया एंड हमारे कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में थी सफाई थोड़ी सी दिक्कत थी, अब मैं लास्ट ईयर में हूँ, सफाई सुबह भी नहीं बोली होती है, क्लासेस बिल्कुल साफ, और जम्मू की पहली बेस्ट बिल्डिंग एमबी ब्लॉक जो बनी है, स्मार्ट क्लासेस सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, और मुझे लगता है जब मैं पास आउट होंगी तो मेरे जूनियर्स होंगे उनको वो भी फैसिलिटीज मिलेगी जो मेरे सीनियर्स को नहीं मिली और मेरे को नहीं मिली, एंड थैंक यू सो मच सर। और तभी जो ब्रिज है वो आई कांट एक्सप्रेस कितना प्रिटी लगता है जो बाहर से आते हैं लोग, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सर आप प्लीज थोड़ा और करिए, 12 महीने में इतना काम हम लोग सोच भी नहीं सकते, बाकी थैंक यू सो मच, ये बहुत जरूरी है हमारे देश का युवा, हमारे स्थान का युवा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो मैं चाहूंगी कि इसके लिए ऑनरेबल मेयर साहब के लिए और जेएमसी की पूरी टीम के लिए, एफिशिएंट टीम के लिए जोरदार तालियां, और समय की कमी के कारण अब हम यहाँ पे ही रुकते हैं। इस समय सब कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ओवेशन इनके द्वारा जो कार्य किया गया उनको लेकर और इस समय आपने देखा स्टैंडिंग ओवेशन दी गया मेयर साहब जो कि रजिंद्र शर्मा जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं इनके टेन्यूर में, और देखा हमने जनता ने भी जो अलग अलग वार्ड से लोग यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने भी अपनी जो एक्सपीरियंस है वो रखा है, और ये जरूर कहेंगे मेयर साहब को जब भी हमने कोई काम बताया उन्होंने जरूर उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया, एक ही कॉल पर उन्होंने फ़ोन उठाया है, और मेयर फारा ईयर भारत माता की, भारत माता की, इस सभागार में उपस्थित मान जो आदर योग पुरुषोत्तम जी पटना जी एक्स मेयर चौधरी मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, नीरज आनंद जी जो कैब के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, स्टाफ सेक्रेटरीज, सीआर, सीनियर सिटीजन सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स, उनकी टीम, माननीय पार्षदगण, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, मंडल के अध्यक्ष, उनकी टीम, जिला के अध्यक्ष, उनकी टीम, और आप सब आए हुए यहाँ अतिथिगण महानुभाव जिनके नाम छूट गए हों उनसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। मेयर फॉर ईयर ये जो आज का शीर्षक है उसका उद्देश्य एक ही है कि जनता की सेवा किस भाव से होनी चाहिए और जनता का विश्वास हमारी व्यवस्थाओं में बने,
आइए एडमिट किया गया है। मेरे मन में सिर्फ एक ही धारणा थी कि हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी आए और उसे मन में यह लगे यस आई एम बीइंग हर्ड, मुझे सुना जाता है, मेरी बात समझी जाती है और मेरे कहने पे काम होते हैं, क्योंकि यही हमारी प्रजातंत्र का लोकतंत्र का एक मूलभूत उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितने भी आप यहां लोग बैठे हुए हैं, समाज के अलग अलग वर्गों से, आज आपका भी यही उद्देश्य बन गया है और इसीलिए इतनी बारिश में भी और इतने जाम में भी आप यहां पहुंचे हैं, ये अपने आप में ही बड़े सहारन की बात है और अपने लिए जोरदार तालियां लगा दी, क्योंकि स्वयं की प्रशंसा करना भी बहुत जरूरी है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन 2005 के बाद 2018 में हुआ, हमें ट्रांजिशन फेज में है। जो एक लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन की सेंस है, जो उसका कार्य क्षेत्र है बहुत बड़ा है, अभी हमने उसका पूरा सफर तय नहीं किया है और ये लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस यही लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप जब सुबह उठते हैं, नाली की सफाई, स्ट्रीट लाइट, रोड, गली, पानी, बिजली, हर समस्या का समाधान यहां है और इस चीज को हमें समझना होगा कि इसी इंस्टीट्यूशन को हमने ताकतवर बनाना है। अब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बदल गया है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ लेजिस्लेट करेंगे, एक्सिक्यूट लोकल बॉडी इंस्टीट्यूट ही करेंगे। तो इसलिए हम सबको ये सिविल सिस्टम समझते हुए इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है और यही व्यवस्थाएं हमारे जीवन पर नियंत्रण करती है। ये व्यवस्थाएं पारदर्शी कैसे हो, अकाउंटेबल कैसे हो, उसके बारे में हमें संजीदगी के साथ सोचना है। जब हम अपना मकान बनाते हैं तो हम सोचते हैं आर्किटेक्ट अच्छा होना चाहिए, वाइट वॉशर अच्छा होना चाहिए, प्लम्बर अच्छा होना चाहिए। तो जो हमारा भविष्य बनाएगा, जिसपे हमारा भविष्य निर्भर करेगा, वैसी पॉलिसी जो बनाएगा, तो उसके प्रति हमें संजीदगी के साथ आगे बढ़ते हुए चयन करना होगा। और यह बात तय है, स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड स्ट्रांग स्ट्रक्चर्स। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त अगर किसी चीज की दिक्कत है वो है अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज की। और जम्मू कश्मीर में 1000 से ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज शुरू हो गई हैं। अब उन व्यवस्थाओं को नीचे तक व्यवस्थित होते होते समय लगेगा, लेकिन वो हो जाएगी। और जम्मू कश्मीर ने पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी चीजें बदल गई हैं, लेकिन बदला
करीब करीब 8340 करोड़ रुपया खर्च हुआ था पूरी यूपी में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए थे 9200। और यही जब 2022 में खर्चा हुआ 10,000 करोड़ और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो गए 92,000। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहले ई टेंडरिंग नहीं होती थी। 10,000 करोड़ के काम के लिए जब चेक करना जाता था तो 5,000 करोड़ का काम होता था और 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। जब यह व्यवस्था बनी तो अब 10,000 करोड़ का काम 5,000 करोड़ में हुआ, लेकिन वो 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, उसकी री टेंडरिंग होगी। तो 20,000 करोड़ वर्ष का काम हुआ 10,000 करोड़ में। तो ये डिफरेंस कैसे आया? अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक लंबा सफर तय किया है। सभी मेयर्स ने जो मेरे से पहले रहे बहुत अच्छा काम किया उन सामने, और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नई ऊंचाइयों को पहुंचाया। 2018 में 75 वार्डों के लिए 25 करोड़ रुपया खर्च होता था, 25,000 करोड़। 2022 में वो 128 करोड़ पहुंचा और अब 2023 में 167 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी गलियां बनेगी, सड़कें बनेगी, नालियां बनेगी, स्ट्रीट लाइट लगेगी, पीएचई की व्यवस्था बनेगी, ये सब इस पैसे से होना है। तो 25 करोड़ से सफलता हो गया 167 करोड़। कितना बड़ा जंप हुआ और मात्र 5 साल में। और आप ये समझिए, अगर ये कॉर्पोरेशन कंटिन्यू रहती है तो हमारी व्यवस्थाएं किस कदर बदलेगी। अगर और छोटे स्तर में आपको समझाऊं, जहां पहले एक वार्ड में 10 लाख रुपया खर्च होता था क्योंकि एमएलए सब